الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم میرے معزز مسلمان بزرگوں عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں خاندانی نظام معاشرتی زندگی اور معاشرتی زندگی کی عمارت کی بنیاد ہے خاندانی نظام ساری تہذیب و تمدن کا سلسلہ اسی بنیاد پہ کھڑا ہے کہ خاندانی نظام کتنا مضبوط ہے اور اس کی جو پہلی اینٹ ہے اور پہلی بنیاد ہے وہ ازواجی زندگی ہے دنیا کے جن حصوں میں مادی لحاظ سے بہت ترقی ہے پسماندہ دنیا کے لیے اور ترقی پذیر دنیا کے لیے ان کی سیاسی اور معاشی ترقی قابل رشک ہے لیکن وہ لوگ معاشرتی زندگی سے اور خاندانی نظام سے اور ازواجی رشتوں سے محروم ہیں جس کے نتیجے میں تمام تر ترقی کے باوجود ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ان کے ہاں ازواجی رشتہ محض ایک رسم سا بن گیا ہے اور ایک مالی منفعت کا ذریعہ ہو گیا ہے جو 100% خود غرضی پر مبنی ہے اس لیے وہاں ازواجی زندگی ناقابل اعتبار ہو گئی اب وہاں ازواجی رشتے کی رسم ہی ختم ہو رہی ہے کہ اس لیے کہ وہ زندگی میں صرف اس منفعت کے لیے آتی ہے کہ شوہر کو دیوالیہ کر کے چلی جائے اس لیے کہ ان کے ہاں قانون ہے کہ اگر طلاق ہو جائے جدائی ہو جائے تو اسے شوہر کے مالیت سے بڑا حصہ ملتا ہے تو ان کے ہاں یہ خاندانی نظام معاشرتی زندگی ازواجی رشتے بکھر سے گئے ہیں یہ سلسلہ ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن اسلام اپنے پیروکاروں کو تعلیم دیتا ہے کہ تمہاری ازواجی زندگی دوستی محبت رحمت پر کھڑی ہے تمہارا آپس کا تعلق محبت کا رحمت کا شفقت کا دوستی کا ہے اور جب یہ ازواجی رشتے کے اندر اسلام کی یہ تعلیم زندہ ہو جائے تو وہ گھر جہاں جنت بنتا ہے وہاں یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑی جنت کا وسیلہ بھی بنتا ہے آخرت کی جنت کا وسیلہ اور ذریعہ بھی بنتا ہے اس محبت اس دوستی اس رحمت اور اس شفقت کے بدولت جہاں وہ دنیا کا گھر جنت بنتا ہے وہاں یہ بڑی عبادت ہے پھر یہ وسیلہ بنتا ہے آخرت کی جنت کا
जहाँ दो आदमी हैं और चंद लोग हैं तो इस्लाम की तालीम तो यह है कि वहाँ एक जिम्मेदार हो, एक अमीर हो, और उसकी अमीरी और जिम्मेदारी का मतलब यह होता है कि वो तमाम मामलात का जिम्मेदार है, अपने साथियों का ख्याल रखना और उनकी हाजात की रियायत रखना और उनकी जिम्मेदारियों पर निगरानी करना, और जो उसके साथी होते हैं उन्हें यह तालीम है कि वो अपने इस जिम्मेदार की इताअत करें और तआवुन करें इसके साथ। तो जब मियां बीवी जिंदगी का यह सफर शुरू करते हैं तो इस सफर के अंदर भी हमारे दीन की तालीम यही है कि शोहर निगरान है। निगरान का मतलब यह नहीं कि औरत को पर हुक्म चलाए, आर्डर दे और उसे हर हाल में अपने शोहर की माननी है। निगरान का मतलब वो उसको जिम्मेदार बनाया है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कहीं इस सफर में किसी की हक तलफी ना हो, सही तौर पे हुकूक अदा हो। और औरत को इस्लाम ने तालीम दी है कि तुमने इताअत करनी है, साथी जिंदगी का इस सफर का शरीक सफर का तआवुन करना है। रिश्ता तुम्हारा आपस का मोहब्बत का होना चाहिए, शफकत का होना चाहिए, दोस्ती का होना चाहिए, रहमत का होना चाहिए। इसलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइकुम, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी औरतों के हक में बेहतर है। कि तुम्हारा अपनी औरतों से सलूक कैसा है, रवैया कैसा है। बस औकात आदमी इबादत में बड़ा खुशू का ख्याल रखता है और इस बात का ख्याल रखता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, ये अच्छी सूरत है। लेकिन नमाज और इबादत में यह ख्याल पैदा करने का मकसद तो यही है कि पूरी जिंदगी में यह ख्याल पैदा हो जाए कि अल्लाह तो देख रहे हैं। बस औकात अजवाजी रिश्ते में और इस सफर में कुछ मर्द के सामने नागवारियां आती तो नफ्स इसे आमादा करता है ना इंसाफी पर, कुछ नागवारियां पेश आती, नफ्स इसे उभारता है ना इंसाफी पर, ज्यादती पर, जुल्म पर, हक तलफी पर। अगर ये ख्याल और ये एहसास सामने हो, पेश नजर हो कि अल्लाह ताला देख रहे, अंदर ये एहसास हो कि वो जात देख रही है, ठीक है मेरे तबीयत के खिलाफ है एक चीज, मुझे एक चीज नागवार लग रही है, मेरे मिजाज और तबीयत के खिलाफ है, लेकिन अगर मैंने हद तलफी की और ज्यादती की और नाइंसाफी की तो अल्लाह भी तो देख रहे, अल्लाह ताला भी तो देख रहे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था, जब मियां बीवी जिंदगी का ये सफर शुरू करने लगते और इस सफर के लिए निकलते तो जो सबसे पहले उस मौके पे आप नसीहत फरमाते वो नसीहत यही फरमाते, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, लोगो अल्लाह से डरना अल्लाह से डरना अल्लाह से डरना। जब ये सफर शुरू होने लगता
और ये मियां बीवी एक नई जिंदगी का सफर शुरू करने लगते और दोनों एक दूसरे के लिए शरीके सफर बनते, तो आप अली सलातो सलाम उस मौके में जो सबसे पहले नसीहत फरमाया करते थे, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, कि ये एहसास हर वक्त जिंदा रहे कि कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा। बस औकात बीवी के हक में शोहर ऐसी कोताही करता है जिसका इजाला अदालत से भी नहीं हो सकता, और उस कोताही उस हक तलफी का जिक्र अपने करीब वालों में भी नहीं कर सकती। उसका इजाले की शक्ल तो सिर्फ यही है कि शोहर के दिल में यह एहसास हो कि अल्लाह के आप बाज पुरस होगी, और बस औकात शोहर के हक में बीवी ऐसी कोताही करती है कि दुनिया में उसका कोई इजाला नहीं कर सकता, जब तक कि बीवी के दिल में खौफ खुदा ना पैदा हो, ना वो अदालत में पेश कर सकता है, ना किसी कानून की मदद ले सकता है, ना उसे कहीं तज़करा कर सकता है। खलवतों की जिंदगी, तन्हाइयों की जिंदगी, मियां बीवी के अंदर के जज्बात, उसका इजाला, उसमें खत तलफी, तो खौफ खुदा ही हो सकता है। तो पूरे खानदानी निजाम इस्लामी माशरे की पहली इकाई अजवाजी रिश्ता, इस्लाम इसे बहुत मजबूत देखना चाहता है। सेहतमंद देखना चाहता, और इस बात की तालीम दी कि तुम्हारा आपस का ताल्लुक हाकिम और महकूम की तरह नहीं, आका और गुलाम की तरह नहीं, आका और बांदी की तरह नहीं, दोस्ती की तरह है, मोहब्बत के साथ है, रहमत और शफकत के साथ है। तुम्हारा ताल्लुक पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पहलू की खुली किताब है कि आपने सारी जिंदगी अपनी जात के लिए गुस्सा नहीं फरमाया, रवैये में तलखी नहीं लेके आए, बल्कि अपनी जिंदगी उम्मत के लिए नमूना पेश की। आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर के सारे दुख दर्द और सारी उलझने और सारे मसाइल, सारी मशक्कतें और सारी तकलीफें कंधे पे बर्दाश्त करते, लेकिन घर पे जब तशरीफ लाते थे चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। और बस औकात तो प्यार का अंदाज यूं भी होता था कि दूर से मुझे आवाज देते, हुमैरा ठहरो, जहां तुमने लब लगा के पानी पिया है निशान रखो, हम भी वहीं से पानी पिएंगे। सुभान, ये दोस्ती का अंदाज, ये मोहब्बत का अंदाज, ये प्यार का अंदाज। खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइकुम, तुम में बेहतरीन आदमी जो अपनी औरतों के हक में बेहतरीन है। मुबारक है कि नमाज अच्छी पढ़ता है, मुबारक है सदका अच्छा करता है, मुबारक है खैरात अच्छी करता है, मुबारक है कि रोजे अच्छे रखता है, लेकिन घर वालों के साथ इसका सलूक कैसा है? मियार तो ये बताया अल्लाह के नबी ने, घर वालों के साथ इसका रवैया कैसा है? मुसलमानों की जिंदगियां काबिले रश्क हुआ करती थी, घरेलू जिंदगी मोहब्बत से सरशार, खैरखाई पर मबनी, बहामी एतमाद की फिजा। क्या खूबसूरत ताबीर की है कुरान ने
हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनके लिबास। जिस्म और लिबास के दरमियान फासला नहीं होता। आदमी की मर्द की जिंदगी में सबसे करीब उसकी बीवी, और बीवी के करीब सबसे ज्यादा उसका शौहर, फासला कोई नहीं। इतना एतमाद, आदमी बाहर बनावट कर सकता है, मसनूई अखलाक अपना सकता है, अपनी बातनी गंदगी थोड़ी देर के लिए बाहर छुपा सकता है, लेकिन घर में सब कुछ खुल जाता है। कि इसकी हकीकत है क्या, वानी छुपती है। तो मियां बीवी बहामी रिश्ते का ताल्लुक लिबास की तरह आपस में एक दूसरे के इतने करीब, और लिबास एक दूसरे का, लिबास से आदमी जीनत हासिल करता, खूबसूरती हासिल करता। तो इन दोनों के आपस के लिए एक दूसरे की जिंदगी ऐसी है कि दोनों को एक दूसरे से इज्जत मिलती है, जीनत मिलती है जिंदगी को, खूबसूरती मिलती है। दाग धब्बे होते जिस्म में, कुछ कमी पेशी होती है, लिबास उसे छुपा लेता है। तो मर्द अपने औरत के ऐबों पे पर्दा डालता है, औरत अपने मर्द के ऐबों पे पर्दा डालती है। कौन ऐसा है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई कमी ना हो, कोई कमजोरी ना हो? कोई नहीं हो सकता, एक अल्लाह के नबी है। लेकिन अजवाजी जिंदगी, ये रिश्ता ऐसा है मोहब्बत का, मोहब्बत हो ना तो फिर सच्ची बात है ऐब भी हुनर बन जाते, और मोहब्बत पतली हो तो खूबियां भी ऐब बन जाती है। मोहब्बत बढ़िया हो खामियां भी खूबियां बन जाती है, ऐब भी हुनर बन जाते। और जब मोहब्बत ही पतली हो जाए तो फिर खूबियां भी ऐब लगने लगती है। वो मशहूर है ना, घर में खातून देखा, एक साहब है सहन में, ऐसा लगता है परिंदे की तरह उड़ रहे। शाम को मियां आए, कहा बुजुर्ग तो ऐसे होते हैं हवा में उड़ रहे थे, तुम्हारी क्या बुजुर्गी है? कहा वो मैं ही तो था। कहा हाँ, इसलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ऐसा ही है, जब मोहब्बतें पतली हो ना फिर सोच मनफी हो जाती, फूल भी हो ना तो नजर कहां जाती है? कांटे पर। फूले तो क्या, कांटे भी तो लगी हुई है। सब कुछ भी दे देना, कोई एक चीज तबीयत के खिलाफ हो, मुझे इस घर में मिला क्या है? और अगर मोहब्बत बढ़िया हो तो सोच मुसबत बनती है। आधा गिलास लेके आई ना, मुसबत सोच, आधा तो लेके आई भाई, वरना आजकल कौन देता है पानी? वरना यही सोच मनफी आधा उठा के लेके आ गई। तो मोहब्बत की जिंदगी, रहमत की जिंदगी, शफकत की जिंदगी, दोस्ती की जिंदगी, मियां बीवी का रिश्ता है इस्लाम में तो ये है भाई। अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा सुभानल्लाह वजअल बैनकुम मवद्दतन व मवद्दा, दोस्ती, दोस्ती है तुम्हारी आपस में, जिससे तुम्हें एक दूसरे को सुकून मिलता है।
हालांकि बस औकात दोस्त पीछे से आके दबाता है, तीसरा आदमी देखता है बड़ी तकलीफ हो रही है इसको, लेकिन जब ये मुड़ के देखता है तो अच्छा दोस्त है, उस दबाने में भी मजा आता है ना। दोस्ती और मोहब्बत में तकलीफ में भी मजा आता है। तकलीफ में भी मजा आता है। लेकिन अगर ये मोहब्बत ना रहे, ये एतमाद ना रहे, ये दोस्ती ना रहे, जिंदगी अजाब बन जाती है, जिंदगी मुश्किल हो जाती। अभी ये मोहब्बत परवान चढ़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर के आगाज में जो नसीहत फरमाई ना, इत्तकुल्लाह, तुम्हारे अंदर हर वक्त ये एहसास रहे कि कहीं ज्यादती ना हो इसके साथ, ना इंसाफी ना हो। बताइए अगर दोनों इस बात का लिहाज रखें तो दोनों को एक दूसरे से राहत मिलेगी ना। दोनों जब खलवतों में, तन्हाइयों में, हर हाल में अल्लाह का लिहाज करेंगे तो हलाल मोहब्बत परवान चढ़ेगी ना। ये रिश्ता बढ़ेगा। तो अल्लाह ताला इस मोहब्बत की फिर मिठास नसीब फरमाते। ये मुसलमानों के यहां था कि अजवाजी रिश्ता ये दोस्ती पर खड़ा है, मोहब्बत पे खड़ा है, रहमत और शफकत पे खड़ा है, दोनों एक दूसरे के लिए राहत का बायस हैं। पहले मुसलमानों में घरों में अगर अनबन हो भी जाती तो रात होने से पहले दिल साफ हो जाया करते थे, होती है। जब किचन में बर्तन होते हैं तो आवाज तो आती है, जिंदगियों में कुछ ना कुछ नागवारी आती है, लेकिन खौफ खुदा होता था तो कभी ये सब्र करता, कभी वो सब्र करती, कभी वो शुक्र करती ये सबर करता, और कभी ये शुक्र करता वो सबर करती। जिंदगी का सफर चलता था। लेकिन अब तो बात का जवाब गाली से है, बात का जवाब पत्थर से है, बजायर दीनदार है लेकिन घरों की जिंदगी में आज दीनदारी नहीं है, एक दूसरे के हुकूक का लिहाज नहीं है। नमाजें हैं, कुछ रोजे भी हैं, लेकिन अजवाजी रिश्ते का जो दीन है वो आज जिंदगियों से निकलता चला जा रहा है। वहां अल्लाह ताला का लिहाज नहीं रहा। अल्लाह ताला देख रही है, अल्लाह ताला देख रहे हैं, और फिर बड़ी ज्यादती होती। अगर इकट्ठा रहना पड़ जाए, माँ बाप भी हों, बड़े भी हों, फिर तो कोई बहुत ही बुजुर्गी होगी कि उस घर में खुशगवार माहौल हो। हालांकि वो बेचारी सास चाहती है कि जो मेरी बेटी कहीं गई है ना, मेरा दामाद उसके साथ इंसाफ कर, चाहती है वो। लेकिन अगर वो ये भी चाह ले कि जो मेरे घर में मेरी बहू आई है, मेरा बेटा भी उसके साथ इंसाफ करे, ये तो चाहती है कि जहां मेरी बेटी गई है मेरा दामाद उसके साथ इंसाफ करे। अल्लाह करे ये भी चाह ले जो मेरे घर में बहू आई है मेरा बेटा भी उसके साथ इंसाफ करे।
रवैये मुख्तलिफ हैं, अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं, दूसरों के लिए कुछ और करते हैं। यही तो जुल्म है। जब हर आदमी अपने दायरा कार में जुल्म करेगा तो फिर जाली भी तो मुसल्लत होंगे। जब हर आदमी अपने दायरा कार में नाइंसाफी कर रहा होगा, ज्यादती कर रहा होगा, जुल्म कर रहा होगा, तो फिर जालिम मुसल्लत होंगे ना भाई। जितना इसे इख्तियार मिला हुआ है उस इख्तियार में ये नाइंसाफी कर रहा है, तो जिनको बड़े इख्तियारात मिली हुई हैं वो अपने दायरे इख्तियार में नाइंसाफी और जुल्म कर रहे हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह वहिब्बु अन अकून अअदल अन्नास, मैं चाहता हूं मैं इंसाफ की जिंदगी गुजारू, इंसाफ की जिंदगी गुजारू। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बु लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन अअदल अन्नास, भाई जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो ना। पैमाने अलग अलग है, अपने लिए कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। तो मुसलमानों के घर आज अपने नबी की तालीमात को नजरअंदाज किया, मुश्किलात से भर गए। अजवाजी रिश्तों में एतमाद नहीं रहा, मोहब्बत ही नहीं रही। बस औकात हमने इसको दीन से भी निकाल दिया कि इसका भी कोई ताल्लुक दीन से, हालांकि बड़ा दीन का हिस्सा है, इसलिए कि इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से, और फिर वो बंदे जिनका ताल्लुक इससे करीबी रिश्ता भी है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हजरत बड़ी ज्यादती मेरे साथ होती है और अपनी करते हैं, अब मेरा भी जी चाहता, मेरी बस हो गई, अब मैं भी बदला लूंगा। वो कांटे बिछाता है, मैं भी कांटे बिछाऊंगा। अब फरमान लगे, वो कांटे बिछाता है तो भी कांटे बिछाएगा, दुनिया फिर कांटों से ही भर जाएगी। जब हर आदमी नाइंसाफी और ज्यादती करेगा तो दुनिया में नाइंसाफी का ही बोलबाला होगा ना। पूरे इस्लामी अखलाक का खुलासा तीन चीजें, अगर प्यारे नबी के सारे अखलाक का खुलासा निकाले, तीन चीजें जो खुलासा है, फरमाया सिल मन कता का, जो तोड़े तुम उससे जोड़ो। जो तोड़े तुम उससे जोड़ो। वाफु अमन जलमक, जो ज्यादती करे तुम उसे भी माफ करो। वाती मन हरुमा का, और जो तुम्हारा हक अदा न करे तुम उसको भी हक अदा करो। कोई मिलेगा? जो तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो ज्यादती करे तुम उसे माफ कर दो, और जो तुम्हारे हक तलफी करे तुम उसको भी आगे बढ़ के हक अदा करो। ढूंढने से मिलेगा? अखलाक, अखलाक वाले नबी की उम्मत अखलाक से आरी होती जा रही है। घर तो इन अच्छे अखलाक से बनता है, खानदानी निजाम तो इन अखलाक से मजबूत होता है, वरना तो बस बिखरे हैं, बिखरते चले जा रहे हैं। रिश्ते हैं मिठास नहीं, मिश्र हैं ताल्लुकात नहीं, घर हैं मोहब्बतें नहीं। तो अजवाजी रिश्ते में अल्लाह ताला की तालीमात, प्यारे नबी की जिंदगी, हमें इसे जिंदा करें, इसे जिंदा करें। इससे हलाल रिश्ते मजबूत होते।
अजवादी रिश्ता मजबूत होता है। फिर फरमाया एक दूसरे का लिबास है, तो जब आप खाना खाते हैं तो अपने कपड़े बचाने के लिए ऊपर कोई रुमाल से रख देते ताकि सालन ना गिरे, आस्तीने चढ़ा लेते खराब ना हो। तो फरमाया मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, ख्याल रखना, एहतियात रखना, कहीं इस पर एक दूसरे पर बदगुमानी का दाग न लगे। बदगुमानी का दाग न लगे। हमेशा इस रिश्ते में एतमाद की फिजा हो, बदगुमानी का दाग न लगे। वो मौका ही ना दें जहां बदगुमानी पैदा हो, फिर तो इस रिश्ते की का मकसद ही खत्म हो जाता है। वो मिठास ही खत्म हो जाती है। बदगुमानी का मौका ना। जिस तरह उस औरत का हक है कि उस घर में उसकी इज्जत नफ्स महफूज हो। पहले आम तौर पे औरत की इज्जत नफ्स मजरूह होती थी, कमजोर जात होती थी, लेकिन अब तो मर्द की भी इज्जत नफ्स महफूज नहीं। उसकी भी इज्जत नफ्स महफूज। हालांकि ये इज्जत नफ्स वो हक है जो हर एक अपने माँ बाप के पेट से लेके आया है। गरीब भी है ना, मजदूर भी है ना, मुलाजिम भी है ना, चौकीदार भी है ना। अगर बार बार मैं उसकी इज्जत नफ्स मजरू करूंगा तो उसके दिल में नफरत का बीज बोया आपने, फिर वो आपके नुकसान पे खुश होगा, फिर वो आपके नुकसान पे खुश होगा। इज्जत नफ्स मजरू की ना। और अगर मेरे अजवाजी रिश्ते में किसी एक की इज्जत नफ्स मजरू हो तो बताइए 40 साल भी इकट्ठे रहेंगे तब भी वो अपना घर घर नहीं बनाएगी। ये तो हक है। इसी तरह औरत का यह हक है कि उसकी अच्छाइयों पे उसे तारीफ करो। ये भला इंसान है, सबकी तारीफ करता है, अगर नहीं करता तो इसी की नहीं करता। हालांकि वह इस मामले में बहुत कमजोर है, जिसकी तारीफ वो जितनी जो उसकी तारीफ करता है वहीं बह जाती है। उसका हक है। मुसौकत साल साल गुजरते हैं, कभी उसके खाने की तारीफ नहीं, कभी उसके हाथ से पकाई हुई चीज की तारीफ नहीं की। हाँ मिसालें देता है दूसरों की, दूसरों की मिसालें देगा। बताइए आपके सामने वो औरत किसी दूसरे मर्द की तारीफ करता रहे तो बताइए आपके दिल पे क्या गुजरेगी। वो भी तो एक इंसान है। नफरत का बीज तो खुद बोते हैं। वो तारीफ चाहती है, उसका हक है। उस घर में उसकी इज्जत नफ्स महफूज हो, उसको वक्त मिले। हाँ मर्द के हक है कि वो जिंदगी के इस शरीक सफर की मुआविन बने। मर्द का हक है उसका साथ दे, उसकी चाहत को और उसके इशारों को समझे।
उसके माँ बाप खुश होने से शौहर खुश होता है तो औरत की सआदत है उनकी खिदमत। बड़ा अच्छा माहौल खानदानी मुसलमानों में होता था कि रिश्ता क्या हुआ, घर में एक बेटी का इजाफा हो गया। शादी क्या हुई, दामाद क्या बना, एक बेटे का इजाफा हो गया। बड़े दिल हुआ करते थे, खुद गर्जियां नहीं थी, मनफात पेशे नजर नहीं था, दीन की तालीम सामने होती थी कि मोहब्बत देंगे, शफकत देंगे, प्यार से रहेंगे, अल्लाह राजी होगा। बेटी क्या घर में आई, एक बेटी का इजाफा हो गया। दामाद क्या बना, एक बेटा हो गया। वो उन्हें वालिद की तरह इज्जत देता था, ये नई आने वाली बेटी अपनी सास को मां की तरह इज्जत देती थी। खुशगवार जिंदगियां होती थी। पहले रिश्ते होते इसलिए थे कि करीब हो जाएंगे, पहले रिश्ते इसलिए होते थे करीब हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां कबीले में फलां कबीले में फलां कबीले में रिश्ता किया, पेश नजर यह था कि ये करीब हो जाएंगे, बात पहुंचाना आसान हो जाएगा। और अब तो बहन और भाई के दरमियान जैसी रिश्ता हुआ औलाद का, बहन भाई के ताल्लुकात खराब हो गए। चालीस साल से दोस्त थे, रिश्ता क्या हुआ, इन दोस्तों के ताल्लुकात भी खराब हो गए। तीस साल से कारोबार इकट्ठा किया है, एक दस्तरखान पे जिंदगी गुजरी है, जहां अपने बच्चे बच्चियों के आपस में रिश्ते किए, ताल्लुकात खराब हो गए। कहां ये रिश्ते खानदानों को जोड़ दिया करते थे, आज ये रिश्ते दूरी का बायस बनते। क्यों? अखलाकियात से जिंदगी खाली, नबी की तालीमात से जिंदगियां खाली हैं, ये टूटने का बायस बन। तो मेरे अजीजो, दीन इसी का नाम भी है कि जब हम अपने घरों की जिंदगी गुजार रहे हैं तो वहां भी ये ख्याल रहे अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। हमारा ये मामला, हमारा ये सुलूक, हमारा ये रवैया, इसकी बाज पुरसोनी है। ये ना इंसाफी, ये ज्यादती, ये जुल्म, इसका जवाब दही है। तो ये खुशगवार अजवाजी जिंदगी जो मोहब्बत पे खड़ी होती है, दोस्ती के साथ गुजरती है, रहमत और शफकत के साथ ये सफर गुजरता है, बहुत बड़ी इबादत है। प्यारे नबी फरमाया करते थे, ये रिश्ता ये मेरा तरीका है, ये इबादत है। एक इबादत तो वो होती है कि आपने नमाज पढ़ी और सलाम फेरा और इबादत खत्म हो गई। एक इबादत तिलावत शुरू की और जबान रुकी तो तिलावत की इबादत खत्म हो गई। एक इबादत आपने अहराम बांधा और उतारा तो हज की इबादत खत्म हो गई। एक आपने रोजा रखा, अफतारी की तो रोजे की इबादत खत्म हो गई। लेकिन ये अजवाजी जिंदगी की इबादत ऐसी है, जब तक मियां बीवी मोहब्बत से रहते हैं मुसलसल इबादत में रहते हैं। जब तक ये मियां बीवी मोहब्बत से रह रहे होते हैं मुसलसल इबादत में, और जब जो एक दूसरे से मोहब्बत और शफकत से देखते हैं तो दोनों को अल्लाह करीम अपनी रहमत से देखता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद
अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद जो मोहब्बत को अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है वो शोहर की अपनी बीवी से मोहब्बत, बीवी के अपने शोहर से मोहब्बत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के। इसलिए कि ये माशरे की मोहब्बत की जो इमारत खड़ी है ये उसकी बुनियाद है। खानदानी निजाम की ये पहली ईंट है, ये जगह से हट गई सब बिखर जाएगा, सारा निजाम धरम भरम हो जाएगा। तो नागवारियां आएंगी, कहां नहीं आती, ऊंच नीच होती है। दो सके भाइयों के मिजाज में फर्क होता है, सके बहन भाई के मिजाजों में फर्क होता है। दूसरे घर से आने वाली बच्ची, दूसरे घर से आने वाला नौजवान, अब इनके जिंदगी का सफर शुरू हुआ, मिजाजों में फर्क होगा। लेकिन एक चीज है ना, कागज हो और उसके मुख्तलिफ साइज हो, लेकिन अगर गोंद अच्छी हो तो एक कागज बन जाता है ना। लोहे के टुकड़ों का साइज मुख्तलिफ हो, वेल्डिंग करने वाला अच्छा हो तो एक दरवाजा बन जाता है ना। पत्थर के टुकड़ों का साइज मुख्तलिफ हो, सीमेंट अच्छी तरीके से लगाए तो एक दीवार बन जाती है ना। घर के लोगों का मिजाज मुख्तलिफ हो, होता है, लेकिन अखलाक अच्छे हो तो एक घर बन जाता है। घर के लोगों का मिजाज मुख्तलिफ है लेकिन अखलाक अच्छे हों तो एक घर बन जाता है। अच्छे अखलाक में ये ताकत है कि एक घर बन जाता है। और यही अजवाज रिश्ते का आपस का ताल्लुक, मोहब्बत का, एतमाद का, यही आइंदा नस्ल की परवरिश की बुनियाद है। अगर इनके आपस में एतमाद ना हो और आपस में दोस्ती वाली जिंदगी ना हो तो औलाद तो दो कश्तियों का सवार हो जाता। फिर उनके अखलाक पर और उनके किरदार पर बड़े मनफी असरात पड़ते। वो घर के उस माहौल से बहुत मनफी असरात उनकी शख्सियत पे पड़ रहे होते। तो ऐसी जिंदगियां यकीनन इस्लामी अखलाक से खाली है। कहीं एक तरफ कमी जरूर है, कमजोरी है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की एक जिम्मेदारी ये भी लगाई है, चूंकि बड़े बड़े होते, उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि तुम निकाह करो, तुम इनका निकाह कराओ। बड़ों की जिम्मेदारी लगाई और फिर उन्हें नसीहत फरमाई कि कुछ लोग दौलत देखते हैं, कुछ सिर्फ खानदान नसब देखते हैं, कुछ सिर्फ हुस्न देखते हैं। देखना तुम दीनदारी देखना, तुम किरदार देखना, तुम सीरत देखना, तुम अखलाक देखना। दौलत हाथों की मेल है, कभी इधर कभी उधर। अगर इसकी बुनियाद रखी तो घर की बुनियाद नापायदार है, हुस्न ढल जाया करता है, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाया करता है। ये बुनियाद भी कमजोर है। दीन रखना, जो जो उम्र बढ़ती है, अखलाकियात बढ़ती हैं, तो दिलों में मोहब्बतें बढ़ती चली जाती हैं। फिर तुम्हारी औलादें उनके गोद में हैं, उनके पेट में है, उनके सीने से उन्हें गिजा मिलती है। नेकी देखना, नेकी अखलाक देखना, ताकि ये जिंदगी का ये सफर इस दुनिया के घर को भी जन्नत बनाए और ये जरिया बने आखरत की जन्नत का। दुनिया के घर भी जन्नत बने और ये जरिया बने आखरत की जन्नत का।
घरों के अंदर ऐसे अच्छे अखलाक के साथ और मोहब्बत और शफकत के साथ ज़िंदगी गुजारना मेरे अजीज़ो, ये दीनदारी है, दीन का बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। सब्र कर लेना, शुक्र कर लेना, दरगुजर कर लेना, बर्दाश्त कर लेना। आपकी अहलिया बताती हैं कि कभी कभी हमारी आवाज़ आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ से बुलंद हो जाती थी। क्या शान है अल्लाह के नबी की, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती। लेकिन आप उनकी इस कमज़ोरी को पर सब्र कर लिया करते, उम्मत को सबक दिया, आप उनकी इस कमज़ोरी पे दरगुजर कर लिया करते थे। बर्दाश्त कर लिया, ये भी बड़ा मुजाहिदा है, ये भी बड़ा मुजाहिदा है। लेकिन जब ये मुजाहिदा अल्लाह के लिए करोगे तो नेकी का नूर बहुत मिलेगा। अल्लाह की खातिर सब्र करोगे, अजर बहुत मिलेगा। घर का माहौल खुशगवार रहे, और अगर कभी ऊंच नीच हो गई तो औरत के लिए हुक्म है, अगर तुम नाराजगी के साथ रात सो गई तो याद रखना तुम अल्लाह की रहमत से महरूम होके सो रही, अल्लाह की रहमत से महरूम होके सो रही। सोने से पहले मामला साफ करके सोना, जब मियां बीबी में फासले होने लगते हैं तो फिर दोनों का फितनों में मुबतला होना आसान हो जाता। जब मियां बीवी की जिंदगी में आपस में फासले होने लगते हैं तो फिर दोनों का फितनों में मुबतला होना आसान हो जाता। और अब तो बदकिस्मती है कि फितने घरों में हैं, हाथों में हैं, हर वक्त कानों में हैं, घर की दहलीज के अंदर हैं। उन फितनों के पहुंचने में कोई चीज रुकावट नहीं, ना दरवाजा, ना दीवारें, ना घर। वो फितने अब वो बिजली पे सफर करके आ रहे, हवा के दोष पे सफर करके आ रहे, हर जगह पहुंची हुई। तो अगर हलाल रिश्तों की ये मोहब्बतें और ये दोस्तियां कमजोर पड़ी तो दोनों फितनों में पड़ जाएंगे, और फिर जिंदगी, सारी जिंदगी बस औकात शर्मिंदगी का बायस बनेगी, सारी जिंदगी के लिए बस औकात रुसवाई हो जाएगी। इसलिए इस रिश्ते को गलत फहमियों से बचाना, बदगुमानियों से बचाएं, बदएतमादी से बचाएं, इस रिश्ते को परवान चढ़ाना इबादत है। इसमें मोहब्बत और दोस्ती के पहलुओं को इख्तियार करना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला हर किस्म के जहरी बातनी फितनों से महफूज फरमाए, और घरों को अल्लाह ताला मोहब्बतों वाली और बहामी एतमाद वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا أرحم الراحمين جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما، مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند والی موت نصیب فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، बुरे अखलाक से महफूज फरमा, प्यारे नबी के अखलाक का बढ़िया हिस्सा नसीब फरमा, हर किस्म की बद अखलाकी से, नाइंसाफ़ी से, जुल्म से महफूज फरमा, मौला करीम ज़ाहरी बातनी बीमारियों से महफूज फरमा, रूहानी जिस्मानी सेहत नसीब फरमा, हादिसात सानिहात से महफूज फरमा,
मुझी अमराज से, अस्पतालों की ज़िंदगी से हिफाजत फरमा। या अरहमर राहिमीन, तमाम हाज़रीन हाज़िरात की तमाम जायद हाजात को पूरा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा। अपने फ़ज़ल से हमारे बच्चे बच्चियों को हमारी आँखों की ठंडक बना, औलादों को सदक़ा जारिया बना। हमेशा उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले मौलाए करीम तालीम और तरबियत के फ़ैसले सही नहज पे करने की तौफीक नसीब फरमा। ए मौलाए करीम, हमें अपने बड़ों के लिए सदक़ा जारिया और इज़्ज़त का बाइस बना, और हमारी औलादों को हमारे लिए राहत का और इज़्ज़त का बाइस बना। अपने फ़ज़ल से औलादों के आजमाइशों से महफूज फरमा, उनके हुकूक़ की सही मायने में अदायगी की तौफीक अता फरमा, उनके हुकूक़ सही नहज पे अदा करने की तौफीक अता फरमा। अपने फ़ज़ल से उन्हें अपना भी वालिदैन का फरमा बरदार बना। मौलाए करीम, अपने फ़ज़ल से पूरी उम्मत इस्लामिया पे रहम फरमा, आलम इस्लाम पे रहम फरमा, अहले इस्लाम को नेक सालिह क़ियादत नसीब फरमा, दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। या अरहमर राहिमीन, अपने फ़ज़ल से दीन की खिदमत की जितनी शक्लें तेरे यहाँ मकबूल हैं सभी की इफादत फरमा। अपने फ़ज़ल से, अपने करम से दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान जो क़िबला अव्वल की लिए क़ुरबानियाँ दे रहे, ऐ मौलाए करीम, उन्हें अपने शायर शान बेहतरीन बदला अता फरमा। उनकी क़ुरबानियों को शहादत कबूल फरमा कर उम्मत में इस्लामी बेदारी पैदा फरमा, इस्लामी अख़ुव्वत को ज़िंदा फरमा, इस्लामी वहदत पैदा फरमा। मुसलमानों को रंग नस्ल वतन इलाक़े वतनीत लिसानियत नफ़रतों की जितनी शक्लें हैं मुसलमानों को इन फितनों से महफूज फरमा। ईमानी इस्लामी अख़ुव्वत को ज़िंदा फरमा। ऐ मौलाए करीम, वतन अज़ीज़ को सलामती अता फरमा। इस मुल्क को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। यहाँ मुल्क दुश्मन और दीन दुश्मनों से इस मुल्क की हिफाजत फरमा। यहाँ नेकी की और खैर की और तामीर की कुव्वतों को गलबा नसीब फरमा। शर की और बुराई की और तखरीब की ताकतों को नेस्त व नाबूद फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमें सलामती अता फरमा, हमारे शहर को सलामती अता फरमा, हमारे मुल्क को सलामती अता फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, बिरहमतिका या रब।